हेलो भाई नमस्कार, मुझे आपन को स्वागत करुच्छ मो चैनल को। देखंतु एबे एबे गोटे नुआ नोटिफिकेशन आस जाइछि जोडा कि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो तरफ रो। तो कौन अछि नोटिफिकेशन टी चालन तो देखिबा। देखंतु नोटिफिकेशन टी रहिछि आपन को, देखंतु पोस्ट अछि कौन ना, पोस्ट अछि आपन को सेविंग स्मॉल सेविंग एंड फाइनेंस इंक्लूजन ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, जोडा कि आपन को फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ओडिशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट तरफ़ आपंकर स्मॉल सेविंग फाइनेंस इंक्लूजन ऑफिसर रो पोस्ट बाहर जोड़ा कि चलत तो देखा डिटेल्स कौन रही। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रही जोड़ा कि आपंकर स्टार्ट हो आपंकर 3rd सेप्टेम्बर रु जोड़ा कि एंड हम 1st अक्टोबर रे। देन ऑनलाइन पेमेंट फीज रो आपन जो ऑनलाइन पेमेंट फी करेंगे तार लास्ट डेट रोज 3rd सेप्टेम्बर एंड 1st अक्टोबर हो आपंकर एंड डेट रोज। देन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपनकर 3rd सेप्टेम्बर स्टार्ट होजी एंड 8th अक्टोबर रे आपनकर सरुची। देन मोड ऑफ अप्लाई जोड़ा कि आपनकर ऑनलाइन मोड रे रहिबो, आउ एडी क्लियरली लिखि देछि जोड़ा कि आपनकर हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करबा को पड़िबो नाही, जोड़ा कि लिखि देछि फिजिकल और हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड टू बी, एडी देखोछि नो फिजिकल एडी लिखि छि नो फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फ्रॉम द फ्रॉम नीड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लिकेंट। तो आपन को सबमिट करिया पड़ी ना, तो चलंत देखिबा कौन डिटेल्स फॉर्म रे रहिछे। तो कैंडिडेट्स मान को पाखरे मोस्ट हैव गोटे आपनकर रजिस्टर मोबाइल आईडी ईमेल आईडी थिबा दरकार आ मोबाइल नंबर गोटे थिबा दरकार जोडा कि अप्लाई करिया पई जोडा कि एक्टिव थिबा दरकार सेइडा आईडी देछि। देन आपनकर देजी एटे देखंतु जोड़ा देची कि एडी बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को डिटेल्स पढ़ापी से लिखी विथ आपण जोड़ा कि सर्टिफिकेट थिबा दरकार आपंकर देखंतु एडी लिखी आपंकर इंटरनेट ईमेल आईडी एंड डाटा एनालिसिस प्रेजेंटेशन मस्ट प्रोजेस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट पासिंग ऑफ HSC और ME स्टैंडर्ड ऑन एज ओडिया लैंग्वेजेस एलिजिबल और अप्लाई पोस्ट। तो यहाँ रही आपंकर 7th स्टैंडर्ड पर्यंत आपन ओडिया रे पास कर दिया दरकार आपंकर टोटल जो आपन को एडा हो 9300 4200 ग्रेड पे जोड़ा कि फास्ट आपन को 16800 आपन को मिलबो जोड़ा कि बी ग्रेड फास्ट ईयर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे जो रही तेणुक आपन को 16880 टका मिलबो फास्ट की। तो यहाँ रही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। देन लिखाई इन सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल, इन सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट अपॉइंटेड बिफोर जोड़ा कि 17/1/2014 ग्रुप पोस्ट और सर्विसेस बिफोर एति इन ग्रुप सी सर्विसेस क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल शैल हैव फॉलो द एडवाइजरी नोटिस पब्लिश्ड भी हेड नंबर एति से कहे आप क्लेम करें जो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रखाई बोली। तो यहाँ रही तो आपंकर एग्जाम हम CBRE मोड्रे एबू लिखिक से तेणुक कंप्यूटर बेस्ड मोड्रे हम बोली। तो आपड़ केमी अप्लाई करेंगे देखो जेते बड़े जीवे OSSC साइड को जीवे फास्ट गोटे अच्छी अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन जाइए न्यू यूजर जाइए आपको रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो फास्ट। देन इंस्ट्रक्शन को भल भाव पढ़ी फिल करेंगे एप्लीकेशन। तो ये देखिए तापर कौन कौन दरकार आपंकर एप्लीकेशन पूर्व कौन कौन दरकार कैंडिडेट सुड केप्ट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर गिव ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एक्टिव फॉर ऑल इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन टिल पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंस रिजल्ट, फाइनाल रिजल्ट पर्यटन से नंबर जी आप आक्टिव रोकवा दरकार। आउ ये देखते लिखाई जोड़ा कि आप रिसेंट पासपोर्ट जोड़ा कि 20 KB 100 KB भितर रहा दरकार JPG फॉर्मेट्रे। देन फुल स्पेसमैन सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थम स्पेसमैन सिग्नेचर रहा दरकार विथ लेफ्ट हैंड थम आपर 20 रु 50 KB भितर रहा दरकार विथ तापर देखु जोड़ा कि आप्लिकांट कीप दर सर्टिफिकेट मार्कसीट और डॉक्यूमेंट रेडी एज पर क्लॉज 8 ऑन द एडवर्टाइजमेंट व्हाइल फाइलिंग द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन। देन अदर क्लेम्स ड्यूरिंग फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जदि अदर किसी क्लेम अच्छी देन फाइनल एप्लीकेंट शुड एंटर द आधार नंबर इन द अप्रोप्रिएट फील्ड इन द मो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको आधार नंबर पुट करने पर कहा। देन ST SC SC BC कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड टू बी सबमिट डिटेल इनफर्मेशन ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडी सेटा जिनस दिखाई। देन एक्स सर्विस मैन तांकर से देबे तांकर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये लिखाई तो चलत देखिए पोस्ट के पोस्ट चलत देखो स्मॉल फाइनेंस एंड
ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଅଫିସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ସି ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା, ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 3ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ରିଜର୍ଭ ରହିଛି, ଏସ୍ସିବିସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି, ଦେନ୍ ୟୁଆର୍ ପାଇଁ ରହିଛି 9ଟା, ଯେଉଁଟାକି 3ଟା ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି 15ଟା, ସେଥିରୁ 7ଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ESM ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 01 ରହିଛି, PWD ଗୋଟେ, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପର୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ରହିବ 16,800 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଦେନ୍ ଏଲିଜିବିଲ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ରହିଛି 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଏଇଟା, ତାପରେ SC BC OBC ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା କାଟାଗୋରି ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ହେଲ୍ଡ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ ଅନ୍ ଲାଷ୍ଟ ସବମିସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇମେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍। ଏଇଠି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହୁନି। ଦେନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା ଫି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜେରି ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇବସ୍ ଟାଇମ୍ରେ OSSC କପି ଅଫ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଦେନ୍ SSC ଅଫ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଦେନ୍ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଲେଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ନଲେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନାଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା। ଦେନ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଭାଲିଡ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଥରିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେକାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, CBC SC ST ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ହୋଇଥିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାଟାଗୋରୀ। ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସିଂ SSC 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ PWD ପାଇଁ 40%ରୁ ଏବଭ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଲେମିଂ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, 2ଟା ଟାୟାର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ MCQ, ଯେଉଁଟାକି CBRE ମୋଡ଼୍ ରହିବ, 100 କୋଶ୍ଚିନ୍, 100 ମାର୍କ, 1.5 ଆୱାର୍ସ। ଦେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ରହିବ। ଦେନ୍ ତା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠାରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡକାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଭାଇବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର 3 ଟାଇମ୍ସକୁ ଡକା ହେବ ଭାଇବସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ୟା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ମଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍।